सो हाई गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कृपा कुसमिया और जो आप पीछे देख रहे हो वो मेरा घर है। इतना बड़ा नहीं है, छोटू सा है, छोटू सा क्यूट मेरा रूम है। और शायद मेरी बोलने में थोड़ी सी गुजराती आ सकती है क्योंकि गुजरातनी छोकरी छू, तो इतना मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, बट ये ऑफकोर्स डेफिनेटली आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वीज़ा, ये जो स्टूडेंट वीज़ा पे हम लोग यूके आते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। एंड तक देखना और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मेरे वीडियो से। सो स्टे ट्यून और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है हमारा ऑफर लेटर। ठीक है, तो ऑफ़र लेटर अभी आएगा कैसे, तो उसके लिए हमें यूके की जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। हम जितनी यूनिवर्सिटी में करना हो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यूके में कोई एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है जैसे कनाडा, यूएसए। हमें एप्लीकेशन चार्ज भरना पड़ता है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। देर आर मैनी वेबसाइट्स जैसे कि मास्टर पोर्टल है, ucast.co.uk है, तो उस पर आपको अपना कोर्सेस मास्टर्स या बैचलर्स जो भी करना आना हो वो आप सर्च कर सकते हो इजीली। वहाँ पे आपको लाइक फीस कितनी है अपनी आपके मास्टर्स की, या फिर रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी का, कोर्स ड्यूरेशन कितना है, वो सब डिटेल्स आपको वहाँ पे इजीली मिल सकती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अप्लाई करोगे तो आपको आएगा एक कंडीशनल ऑफर लेटर, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें आपकी कंडीशंस लिखी हुई रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनकी कंडीशंस है वो IELTS इंग्लिश की जो टेस्ट होती है, GRE, TOEFL जो भी वो लोग रिक्वायर करते हैं, वो अब कंडीशंस में लिख के भेजेंगे कंडीशनल ऑफर लेटर में। और अगर कोई आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी मिसिंग है तो वो भी कंडीशन में वो लोग लिख सकते हैं। जैसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर दिए उसके बाद वो लोग भेजेंगे आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर। तो अभी आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर मतलब मेन ऑफर लेटर है, ठीक है, वो आपका आ गया। उसके बाद का स्टेप होता है कि आपको फ़ीस भरनी है। तो अभी आप ले लो यूके में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, उसमें £12,000 to £16,000 के रेंज में आपको मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी कोर्सेस जो भी लेने हो। मेरी फ़ीस थी £14,000, ओके, लास्ट ईयर। अभी सेम मेरा ही कोर्स जो अब दिस ईयर जो लोग करने आ रहे हैं उनकी फ़ीस है £16,000, तो फीस बढ़ चुकी है काफ़ी। कम तो कभी होती नहीं है यार, बारिश हो रही है अभी, मुझे अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन वेट करते हैं। तो फीस यूजुअली इतनी रेंज में होती है, ठीक है। तो आपको यूके अगर आना है तो यूके आओगे जब तक आप, तब तक आप 50% to 60% आपकी जो टोटल फीस है उसमें से भर सकते हो आप फीस इतनी। अभी इतनी फीस भर दी तो आप यूके इजीली आ सकते हो, आपकी जो फाइल है वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अभी उसके बाद का स्टेप है फंडिंग। अभी फंडिंग क्या होता है, मतलब आपको आपका जो लिविंग एक्सपेंस यहाँ का है वो दिखाना है यूके गवर्नमेंट को, ठीक है, कि आपके पास इतना फंड्स है, आपके पास इनफ पैसे है कि आप जब यहाँ आओगे तो आप इजीली सर्वाइव कर लोगे। आपका जो अकोमोडेशन ले लो, ठीक है, जहाँ रहने वाले हो आप, ट्रैवलिंग काफ़ी महंगा है यहाँ पे, ट्रैवलिंग ले लो, और जो भी फूड ग्रोसरीज जो भी है, तो ये सब ओवरऑल ये आपके हो गए लिविंग एक्सपेंसेस। तो ये लिविंग एक्सपेंसेस आपको दिखाने हैं। अभी वो दो टाइप के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आप लंदन में रह रहे हो तो आपको दिखाने हैं £12,000, ठीक है, नियरली मतलब 12 लाख दिखाने हैं आपको अगर आप लंदन में रह रहे हो। आप आउटसाइड लंदन रह रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि ले लो हमारा बर्मिंगम है, मैनचेस्टर है, लेस्टर है, ल्यूटन है, कोई भी आउटसाइड लंदन, ओके, तो आपको दिखाने हैं 9 लाख, ओके, तो वो आप देख लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, आपका स्पेसिफिक आपका जो कैंपस है वो कहाँ पे है। अगर आपका कैंपस आउटसाइड लंदन है वो भी देखना, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे होती है उसके कई सारे कैंपस होते हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी तो उसके 3 कैंपस थे, उसका जो मेन कैंपस था वो लंदन में था, ठीक है, तो ये चीज़ मेरे एजेंट को पता ही नहीं थी, तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि आपको 12 लाख दिखाने पड़ेंगे, लेकिन मेरा जो कैंपस था
वो आउटसाइड लंदन था, तो मुझे 9 लाख, मुझे बाद में पता चला कि 9 लाख हमें दिखाने हैं, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आउटसाइड या इनसाइड है वो अकॉर्डिंग आपका फ़ंड डिपेंड करेगा। ओके, और फंड्स क्या मतलब, फंड्स डिपेंड करेगा कि आपका फंड्स 28 डेज ओल्ड आपको बैंक अकाउंट में दिखाने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी है लंदन में, ओके, तो आपका 12 लाख फंड्स हुआ, तो 12 लाख, और अगर आपने फ़ीस भरी है हाफ, लाइक 50% भरी है, फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस है मान लो 14,000, तो आपने उसमें से भरे हैं 7 लाख, ओके 7 लाख भरे हैं, तो बाकी के 7 लाख हो गए, और फंड्स कितना दिखाना है लंदन में है तो 12 लाख, तो 12 लाख प्लस 7 लाख टोटल हो गए 19 लाख, तो 19 लाख आपको आपके बैंक अकाउंट में दिखाने हैं। तो अभी वो कैसे दिखाना है कि फॉर एग्जांपल आपने 19 लाख आज रखे हैं बैंक अकाउंट में, तो आपको 28 डेज तक वो पैसे को छूना नहीं है। जैसे ही आपके 28 डेज कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप 29th डे को ही आप अपने जो कास्ट लेटर होता है, कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस स्टडीज लेटर, वो होता है एक लेटर, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो आपके फंड्स है वो जब तक आप यूके ना आ जाओ तब तक आप उस वो पैसे को हिलाना मत, वो एक उसमें से रुपए भी मत उठाना। ओके, तो ये हो गया फंड्स, तो इतने आपको पैसे दिखाने हैं। अगर आप फुल फीस भर रहे हो तो सिर्फ फंड के पैसे 12 लाख या 9 लाख जो है आपके वो दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन लोन ली है तो फुल फीस आप भर दोगे उसमें, तो और जो बाकी के जो रह गए हैं आपके फंड्स के वो ही दिखाने हैं। तो ये हो गया है फंड, और जैसे मैंने बताया कि 28 डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ओके, उसके बाद 29th डे को आपका सब कुछ रेडी है, तो 29th डे को आप अपने कास्ट लेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी कास्ट लेटर होता क्या है, कास्ट लेटर आपको यूनिवर्सिटी देंगी, ठीक है, उसमें वो लोग सब कुछ ऑल एवरीथिंग आपकी डिटेल्स वो लोग लिखेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स लाइक फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी एग्जैक्ट होगा वो लिखेंगे, आपका कोर्स डेट स्टार्ट कब हो रहा है, आपकी स्टडीज़ कब स्टार्ट हो रही है, आपकी एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट्स या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें लिखी रहेगी, आपने कितनी फ़ीस भरी है वो भी कास्ट लेटर में लिखी रहेगी। ठीक है, तो एक बार आपको कास्ट के लिए उसके लिए अप्लाई करना है। वंस यू गेट योर कास्ट लेटर, उसको एकदम ध्यान से आपको चेक करना है कास्ट लेटर को, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक बार आया आपका कास्ट लेटर, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो आप तुरंत ही अपने एजेंट या यूनिवर्सिटी को मेल करो कि भाई ये मिस्टेक है, ये आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए ये कास्ट लेटर, ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिकॉज आप जब यहाँ आओगे 1 ईयर के बाद आपको जब PSW या कुछ कोई भी चीज़ों के लिए आपको अप्लाई करना है, तो वो कास्ट लेटर तभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आफ्टर दैट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो वीज़ा के लिए आप जब अप्लाई करोगे तो कुछ मेडिकल भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मेडिकल एक TB का टेस्ट होता है, नियरली मेरा इंडिया में 2,000 रुपीज़ में हो चुका था, ओके 2,000 रुपीज़ इतना ज़्यादा नहीं होगा आपका TB का टेस्ट। आप सुबह में रिपोर्ट करवाओगे, कुछ बॉडी एक्सरे ऐसा कुछ होगा, सुबह में रिप्लाई आप करवाओगे टेस्ट, शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ओके, देन रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी उसकी फ़ीस मेरी थी नियरली 35-36,000 जितनी फ़ीस थी रुपीज़, ओके उतनी मेरी वीज़ा की फ़ीस थी, और उस पर कुछ इतना टफ नहीं होता जो फिल करना है वो टाइम पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी जो है ओरिजिनल्स आप स्कैन कर सकते हो, और अगर वो टाइम पे आप नहीं करते तो जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो ओरिजिनल्स लेके जा सकते हो वो टाइम पे आप लोग, तो वो इजी रहेगा। और ये जो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो वो टाइम पे जो फ़ीस भरनी है आपको, वो इंटरनेशनल आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा इंटरनेशनल उसमें से पेमेंट हो सकता है तो ही होगा। और दूसरी एक चीज़ वो है मेडिकल, मेडिकल के नियरली मतलब मेडिकल क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस आई मीन टू से NHS के पैसे भरने पड़ते हैं। मैंने भरे थे 72,000 रुपीज़, ओके वो टाइम पर लास्ट ईयर आई मीन, तो अभी थोड़े बढ़ चुके होंगे आई गेस, कम तो होते ही नहीं है,
और वो पैसे मतलब इट्स वेस्ट, लेकिन फिर भी कंपलसरी भरना है। मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, 72,000 रुपीज़ में से 1 रुपी के भी हेल्प मुझे नहीं मिली कभी, लाइक हॉस्पिटल जा या कभी भी जीपी में। वेस्ट ऑफ मनी सीरियसली। लेकिन वो दो चीज़ हमें भरनी है जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, वीज़ा फीस और ये हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस। तो ये और ये पेमेंट जैसे मैंने बोला इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से ही हो सकता है, तो आप देख लेना आपके पास वो कार्ड हो या नहीं हो, तो किसी से भी आप बोरो कर लेना। ओके, अभी ये हो गया तो वही दिन आपको डेट मिल जाएगी कि आपको बीआरपी या आई मीन नॉट बीआरपी, बायोमेट्रिक के लिए आपको कभी जाना है। तो जब वो आपको डेट मिल जाएगी, कहीं कहीं पर सेंटर होते हैं, मैं गुजरात से हूँ, मैं सूरत में रहती थी ओके गुजरात में, तो मुझे अहमदाबाद, अहमदाबाद बोलते हैं जो, वहाँ पे हमारा सेंटर था बायोमेट्रिक के लिए, जहाँ पे आपके जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो स्कैन करते हैं आपके। ओके, और ये ऑफ़ कोर्स आपका जो फेस उसकी भी फ़ोटोज़ लेते हैं, और तो वो करवाने आपको वहाँ पे जाना पड़ता है जो सेंटर होता है वहाँ का। वहाँ पे आपके सारे, अगर आपने स्कैन नहीं करवाए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहाँ पे। वो लोग स्कैन करेंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे, फेस आईडी आपकी जो फेस जो है वो भी लेंगे, और ये वाला जो आप वो टाइम पे रेडी होके जाओगे तो वो वाला फोटो आपका, जब आपका पासपोर्ट घर पे आएगा तो वीज़ा में वो वाला आपका फ़ोटो होगा। ओके, तो ठीक से जाना। ओके, एंड वो टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग आपको रिटर्न कर देंगे, पासपोर्ट आपका ले लेंगे, उसके बाद होता है सिर्फ सस्पेंस, फिर होता है सिर्फ वेटिंग। ओके, फिर आपको वीज़ा के लिए वेट करना है पासपोर्ट के लिए। हाँ, अगर क्या बोलते हैं वो स्टैंडर्ड प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी जैसे भी वीज़ा होते हैं, लाइक जल्दी अगर चाहिए आपको, मेरे वीज़ा ऑनेस्टली मैं बोलूँ मेरे स्टैंडर्ड थे, नॉर्मल जो बोलते हैं, लेकिन मेरे बहुत जल्दी आ गए थे, लाइक 4-5 डेज में मेरे वीज़ा आ गए थे, स्टैंडर्ड थे तो भी। ओके, तो आई डोंट सजेस्ट कि आप लोग इतने सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी में जाओ, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो फिर आप जा सकते हो, और एल्स बस इतना ही है और फिर जस्ट वेट। कुछ ऐसा कोई मेल वेल नहीं आएगा आपको कि भाई आपको वीज़ा मिल चुका है या नहीं मिला, वो सस्पेंस ही रहेगा। जब आप पासपोर्ट ओपन करोगे, घर पे कुरियर आएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि आपके वीज़ा है तो गुड न्यूज़, नहीं है तो फिर क्या ही बोलूँ। तो ये बस इतना ही है का, लेकिन याद रखना ये सारी चीज़ें। सो ये प्रोसीजर है, अगर आपके वीज़ा आ चुके हैं तो फिर आइए यूके और फिर इन्जॉय कीजिए, और या यहाँ के स्ट्रगल के लिए रेडी हो जाए। और तो कुछ नहीं बोल सकती, एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट में स्ट्रगल तो है, ये मैं बोल दूँगी आपको, रेडी हो के आना। और या दैट्स इट, सो दिस इज़ अ प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो आपको, या आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय, विल सी यू लेटर, टाटा।